जब गोले नहीं बेचते थे वह परेशान थे, नौकरियां नहीं मिलती थी। जब का गोले स्टार्ट किए हैं वब का अल्लाह का शुक्र है, बाल बच्चों का पेट पाल रहे हैं गोले से। कोई भी नौकरी, गरीब आदमी जो भी नौकरी लेने जाता है उसके आगे डिमांड जरूर रखी जाती है। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर गोले तो बेचने हैं, उनका पेट भी तो पालना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ साजिद भाई चमन गोले वाला के पास, जो घर घर जाकर गोले की सर्विस देते हैं और ये एमए एजुकेशन कर रहे हैं। मतलब इतनी हाई लेवल की एजुकेशन होने के बावजूद ये गोले पे मोटरसाइकिल पे पूरी अपनी रेडी सजाई हुई है और उस गोले को ले जाकर लोगों के घरों में सर्विसेज देते हैं, और सिर्फ 50 रुपये का गोला है। तो इन्हें से जानते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि इतनी एजुकेशन पे आपने कोई अच्छी जॉब नहीं की बल्कि ये गोला ही लगाया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई आप ही हैं? जी मैं ही साजिद। अच्छा साजिद साहब, आप रहते कहाँ थे? जी मैं आई बिलोंग टू उकाड़ा, आई लिव्ड इन हुजरा शाह मुकीम, राइट नाउ आई लिव इन लाहौर सब्जाजार। उकाड़ा, गुजरा शाह मुकीम, राइट नाउ लाहौर, ये तीन सफ़र कैसे रहे? ये ऐसे रहे नहीं, उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट की वजह से मैंने अपना आपको बिलोंग किया, ताल्लुक मेरा उकाड़े से है, क्योंकि लाहौर सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है। तो हम अगर अपने आप को यहाँ पे रोनमा करवाना है तो हम उकाड़ा का ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा है, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से लोगों को पता चल जाता है। गुजरा का अक्सर लोगों को नहीं पता, उकाड़ा का तकरीबन सारों को ही पता है, इस वजह से। तो लाहौर में आपकी कैसी लाइफ गुजर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब गोले नहीं बेचते थे वह परेशान थे, नौकरियाँ नहीं मिलती थी। तो जब का गोले स्टार्ट किए हैं वब का अल्लाह का शुक्र है, बाल बच्चों का पेट पाल रहे हैं गोले से। आपने एमए से पहले ग्रेजुएशन तो किया होगा, तो ग्रेजुएशन के बंदे को जॉब नहीं मिल रही थी? नहीं, पाकिस्तान में ये जो है फैसिलिटी बहुत कम है, जो पुअर पीपल्स हैं उनके लिए ये फैसिलिटीज़ बहुत कम है। जो अफोर्डेबल जितने भी लोग हैं उनके लिए नौकरियाँ पेंडिंग पड़ी होती हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए नौकरियाँ इसलिए पेंडिंग नहीं होती कि जिसके पास नौकरियां लेने चले जाएं वो अपनी डिमांड रख देता है। तो डिमांड के आगे जो है ना गरीब लोग मेरे हिसाब से तो बेबस हो जाते हैं। बिकॉज क्या डिमांड होती है, क्या एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मगर डिमांड्स होती हैं, ये नेचुरली चीज़ है, ये पाकिस्तान में चलती आ रही है, ये डिमांड्स होती हैं। कोई भी नौकरी, गरीब आदमी जो भी नौकरी लेने जाता है उसके आगे डिमांड्स ज़रूर रखी जाती है। तो आपने ये गोले का पैशन कितने साल पहले चूज़ किया? मैं मेरे बाबा गोले बेचते थे तो मैं स्कूल पढ़ता था, जब मैं छोटा होता था बाबा घर खाना खाने के लिए चले जाते थे तो मैं गोले पे आके खड़ा हो जाता था। आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही मुझे गोले बेचने का पता चल गया, गोले कैसे बेचते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आ गया जब मैं मजबूर था, तब मैंने गोला बेचना शुरू कर दिया। आर यू मैरिड? यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 16 year old एक्सपीरियंस इन मैरिड, सो आई हैव 6 चिल्ड्रंस टू लुक आफ्टर। माशाल्लाह। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ सर, आई एम साजिद भाई चमन गोलेवाला, यू कैन कॉल मी साजिद आइस कैंडी मैन, आई बिलोंग टू दीपालपुर, आई लिव्ड इन हुजरा शाह मुकीम, राइट नाउ आई लिव इन लाहौर सब्जाजार, आई एम ग्रेजुएट एंड हैव टू डू मास्टर डिग्री इन अ गुड सब्जेक्ट। तो आई हैव 6 चिल्ड्रंस टू लुक आफ्टर, इट्स माई डिज़ायर टू डू समथिंग डिस्टनेक्टिव फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर इन माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर कैंडी आइस? येस डेफिनेटली, यू आर राइट सेइंग माई स्टफ हैज़ गुड टेस्ट, माई स्टॉल हैज़ ब्रांड क्वालिटी, माई गोला हैज़ ब्रांड क्वालिटी, बिकॉज आई विल मेकिंग अ डिफरेंट गोला अंडररूट अदर गोलाज। व्हाट इज द डिफरेंट? डिफरेंस, आई विल रिटर्न अदर नेम्स ऑन गोला विद डिफरेंस टाइप्स टॉपिंग आ डिफरेंट सॉसेज विद चॉकलेट विद कंडेंस्ड मिल्क विद अदर थिंग्स विद समथिंग। तो ये गोला बनाना सीखा कहाँ से आपने? मैंने अपने बाबा से सीखा है, और इसमें मैंने जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी इसमें मैंने अपने जहन से लाई है। एक कहावत है कि अकल किसी के बाप की नहीं है, जो बंदा जहाँ पे लगाना चाहे लगा सकता है। अकल हर बंदे के पास होती है मगर महदूद होता है वो अपने आप को लेके कि उसने कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं जाना है। अच्छा साजिद भाई, आपसे एक सवाल है कि ये एक गोले का ठेला है, एमए करने वाले शख्स को जब गोले के ठेले पे खड़े होना पड़ता है तो क्या आपकी जो एक सेंस है वो एक्सेप्ट करती है इसको? सेंस एक्सेप्ट, जब इंसान रिस्पॉन्सिबल बंदा बन जाता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके पास आ जाती हैं, तो
उसके लिए मजबूरी बन जाती है करना। एक प्रोफेशनल बंदा होता है, अगर वो मजबूर होता है तो ऐसे काम में आता है, अदरवाइज उसके प्रोफेशनल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रोफेशनल या वेल प्रोफेशनल हो के गोले ही बेचे, ये ज़रूरी नहीं है। मगर मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर गोले तो बेचने हैं, उनका पेट भी तो पालना है ना। आप क्या कहते हैं कि अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो क्या आप ये गोले बनाना छोड़ देंगे? डेफिनेटली यू आर राइट सेइंग आई विल अचीव अ ग्रेट सीट इफ आई हैव सम फैसिलिटी, तो सो आई विल अचीव, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मैंने इससे पहले इंटरव्यू में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो हमें अच्छी जॉब दे, बिकॉज आई हैव एन एबिलिटी टू मास्टर, अगर वो देते हैं तो इंशाल्लाह मैं अचीव करूँगा। मास्टर्स इन एजुकेशन, एजुकेशन में ये मास्टर्स कर रहे हैं। अच्छा, ये घर घर जाकर जो आप गोले देते हैं लोगों को, तो ये मुझे बताएं कि इसमें कोई बचत होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों का अच्छा रिजक निकल आता है, मेरे बच्चे अच्छे तरीके से खा पी लेते हैं, मेरा अच्छा गुजारा चल रहा है लाइफ का, और तालीम के अखराजात इससे अफोर्ड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए मैं अच्छा मास्टर करना चाहता था, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस वजह से गोले के साथ मुझे एमए एजुकेशन ही और मुझे सूट ही हुआ एमए एजुकेशन करता है, जिसकी वजह से मैं एमए एजुकेशन कर रहा हूँ। एमए एजुकेशन कहाँ से कर रहे हैं आप? इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। आगे क्या करने का इरादा? आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर आई विल बी सक्सेसफुल इन मास्टर, आफ्टर आई विल स्टार्ट एमफिल, AIOU की तरफ से इंशाल्लाह ताला एमफिल करेंगे, और ड्यूरिंग दिस वर्क आई विल बी सक्सेसफुल इन PhD। हाउ मच सिब्लिंग्स डू यू हैव? नथिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो इसको कहां तक लेकर जाएंगे? इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर आई विल बिगन अ ग्रेट शॉप ऑफ गोला, बिकॉज आई एम वेल एक्सपर्ट मैन इन दिस टास्क, तो इंशाल्लाह ताला अगले साल बहुत VIP गोले की शॉप खोलने का इरादा है। तो ये जो मैं आपके देख रही हूँ कि ये जो आपके मतलब कि मीठा शीरा जो होता है, ये खुद बनाते हैं या बना बनाए लेते हैं? जी, मेरे ख़ास ऑडियंस के लिए एक मैसेज है कि ये मेरे गोले जो हैं मैं अच्छे तरीके से इनको बनाता हूँ, साफ़ सुथरी, और मेरे पास फ़िल्टर वाली बर्फ़ होती है, बिल्कुल फ़िल्टर के पानी की बर्फ़ मैं बनाता हूँ, और बिल्कुल चीनी का और अच्छे फ्लेवर्स यूज़ करता हूँ, यानी कि मेरा स्टफ़ जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन होता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, सफाई सुथराई को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि लोगों को कैसे सर्वाइव करना है, कौन सी चीज़ें, कैसी चीज़ें और कितनी अच्छी चीज़ें जो है ना सर्वाइव करना। आप मुझे ये बताएं कि आप जो घरों में गोला सर्व करने जाते हैं तो वो कितने गोले की क्वांटिटी होती है जो आप घर में डिलीवरी देते हैं? वो क्वांटिटी कम अज़ कम फाइव टू टेन इन विच कम अज़ कम होने चाहिए, 5, 7 या 10 गोले होने चाहिए, क्योंकि मैं कॉल करने वाले को नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, वो तो मुझे पता होता है कि मैंने जहाँ पे होम डिलीवरी देने जानी है वो मेरा कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के लिहाज से और डिपेंडेड ऑन कस्टमर, उसने उसकी कितनी डिमांड है, फिर उसी हिसाब से उनसे। मगर ये मेरा कोई ख़ास डिमांड नहीं है कि गोले जितने भी जिसने लेने हैं, मैक्सिमम 5 तो लेने ही होते हैं, क्योंकि एक घर में कम अज़ कम इतने मेंबर जो हैं वो मौजूद होते हैं। कितने का गोला है आपका? मेरा गोला है 50+ है, 50 से लेके 200 तक मैं गोला बेचता हूँ, और डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। सही हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा कि सुबह से लेके शाम तक में कितना काम करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक काम करता हूँ, और इस जितना मेरा टाइम होता है वर्किंग का, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी रोज़ी मिल जाती है, जिससे मेरे बच्चे अच्छे तरीके से अपना गुजारा, मेरे यानी कि मेरे घर का अच्छा गुजारा चल जाता है। जनाजे, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि साजिद भाई से हमने बातचीत की, तो मैं कहना चाहूँगी कि एमए एजुकेशन करने के बावजूद उन्हें ये गोले का ठेला लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों के लिए विदाउट सिफारिश नौकरियाँ नहीं हैं, और अगर इनको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो ये अपने बच्चों की अच्छी कफालत कर सकते हैं उस जॉब से, तो ये गोले का ठेला ये बंद कर देंगे, और गोले का हुनर इतना है इनके हाथ में कि किसी तरह का भी वो गोला बना लेते हैं जो उनके मन में आता है, उसके ऊपर नाम लिखते हैं तरह तरह के। जनाजे, उम्मीद करती हूँ कि इनकी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।